तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में है। वही खबरों की शुरुआत से पहले चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीमच के ग्वालटोली में निर्मित दियों से रोशन होगा घर आंगन। 70 प्रजापति परिवारों के 400 लोग 2 माह से कर रहे तैयारी। मंदसौर जिले में बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने घेरा तहसील कार्यालय। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। नीमच में त्योहारों से पहले नपा परिषद का शहर भ्रमण जारी। राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम पर मिला गंदगी का अंबार। नगरपालिका अध्यक्ष ने दिए सख्त निर्देश। मंदसौर में हेलमेट जागरूकता अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन चालकों को दी जा रही समझाइश। प्रशासन ने अभियान चलाकर चालकों के काटे चालान। नीमच में एलिस्टोनिया के पेड़ों से फैल रही बीमारियों से आमजन परेशान। सर्दी में पेड़ों के पास से गुजरना होता है दुश्वार। नागरिकों ने जताई नाराजगी। नीमच कृषि मंडी में उपजों की बंपर आवक। उड़द 200 तो सोयाबीन 100 रुपए तेज। अजवाइन 300 तो तुलसी बीज 500 रुपए नरम। मंदसौर के शामुड़ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ किया बरामद। तस्करी करते धराया आरोपी। एमपी के मौसम में बदलाव। दिन में गर्मी रात को गुलाबी सर्दी। विभाग ने ठंड बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। अब जानते हैं सभी खबरें विस्तार से।